नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। दिनांक 26 अक्टूबर 2023 जिला रामपुर की कस्बा कैमरी तहसील बिलासपुर रामलीला कस्बा कमरी में शुद्ध रामलीला हो रही है। घनश्याम लोधी संसद ने उद्घाटन किया, स्टेज पर पूजा भी की, आरती भी की, गणेश वंदना भी की। उसके उपरांत समस्त मेला अध्यक्ष पूरण सिंह और उनके समस्त मेंबर, उनके साथ सतीश हमारे परवेज भाई, हमारे खूबचंद गुप्ता, उनके सुपुत्र साहब, सभी ने मिलकर मेला का पूजन किया। राम जानकी रामलीला में उद्घाटन करके सभी ने धन्यवाद दिया। हमारे सांसद घनश्याम लोधी ने कहा कि बहुत ही ज्यादा पुराना रामलीला है, इसको हमारे जितने भी कमेटी अध्यक्ष कमेटी मेंबर बरकरार बना रहे हैं, इसी प्रकार से इस मेले को शुद्ध रामलीला जलते रहे। शंकर सिंह, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस, जलारामपुर संवाददाता। क्योंकि मुझे कहीं जाना भी था लेकिन वो आखिरे पे मना नहीं कर पाया। मैंने भाई बहुत दिनों में तो कहा है इन्होंने, लेकिन चलो मैं आता हूँ। तो आज इस रामलीला कमेटी में आप लोगों के दर्शन हुए, क्योंकि ये रामलीला कमेटी जो है मुझे रामलीला प्रांगण, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत पुराना ऐतिहासिक यह रामलीला होती रही है और हाँ काफी पुराना। मैं भी एक दो बार आया लेकिन वह आज तो खाली खाली लग रहा है। और पहले रामलीला होती थी तो मेरे ख्याल से आस पास के लोग से 50 गाँव यहाँ रामलीला देखने आते थे, ये स्थिति थी। लेकिन शुरुआत है हमारे डॉक्टर साहब वो आपके थानाध्यक्ष हैं, वो भी आपके यहाँ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे, क्योंकि रामलीला का मौका है, चुनावी नजदीक है। मैं समझता हूँ किसी रंग की कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। और जो आज रामलीला का मंचन होने जा रहा है, सदियों से रामलीला का मंचन होता रहा है, क्योंकि रामलीला के मंचन से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, हमारे जीवन जीने का एक तरीका हिस्सा है। क्योंकि भगवान राम ने, भगवान लक्ष्मण जी ने, वो सीता मैया ने जो आदर्श को अपनाया, क्योंकि लक्ष्मण जैसा भाई मेरे ख्याल से कम देखने को आज की तारीख में मिलते हैं। आज तो भाई का भाई दुश्मन है, बीबियां भी देख रहे होंगे, और सिर्फ बीबी चाहती है बगैर कब निबट जाए। लेकिन हमारे संस्कार से और सनातन धर्म से बहुत परे है, हमारे जो संस्कार है वो राम के आदर्शों पर चलकर पूरे हो सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मण जैसा भाई और सीता जैसी माँ को अगर भाभी माँ को अगर जैसे आप माँ के रूप में देखेंगे और भाई को भाई के रूप में देखेंगे, तभी ये हमारा संसार आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ जो हमारे संसार को जिस रास्ते पर चल रहा है बहुत सीखने के लिए इसमें रामायण से मिलते हैं, क्योंकि ऐसे पात्र हैं कि उसको देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये रामलीला पहले भी होती रही और आज भी होती रही है, और आज तो शुरुआत है रामलीला की। मुझे भी थोड़ा कम समय मिला, मैं भी आपके सामने अब एक आध घंटा बिताता हूँ। और रामलीला के जो कलाकार हैं, जो हमारे पात्र हैं, तो मैं समझता हूँ उनसे भी सीखने का मुझे भी अपने जीवन में मौका मिलता, लेकिन समय थोड़ा कम है। फिर किस दिन अगर मौका मिला इन लोगों ने दिया, फिर आपके बीच में आऊँगा। और यही निवेदन करता हूँ कि हमारी रामलीला से
ऐसा भी मनोरंजन तो होता रहता है, लेकिन इस रामलीला को सीखे भी है और जो राम के हमारे आदर्श हैं उन्हें अपने जीवन में उतारे तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। हमें अच्छे माँ बाप बन सकते हैं, अच्छे भाई बन सकते हैं, अच्छे संस्कार हमारे अंदर आ सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोगों को इस रामलीला की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी कमेटी के रामलीला के लोग हमारे सदस्य हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उस तेरे जैसे नाकिन को इस मंच पर बुलाया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।